हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी डिश जो बहुत ही रिच और स्मूथ ग्रेवी के साथ होगी। ये एक मुगलई डिश भी है और इसका नाम है चिकन चंगेजी। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेजी आप बहुत ही इजी वे में घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। चिकन चंगेजी बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो सबसे पहले एक बोल में 1 किलो चिकन विद बोन्स लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप विस्क की हुई दही, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा, और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब इसे मैरिनेट करने के लिए 15 से 20 मिनट रखेंगे, या आप 1 से 2 घंटे भी इसे रख सकते हैं। अगर टाइम कम है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक एक पैन में 1/2 कप ऑयल गर्म करेंगे, और जब ऑयल गर्म हो जाए तो डालेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज रफली कट और 16 से 17 काजू। इन्हें लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये हो गए हैं, इन्हें निकाल कर एक प्लेट में ठंडा करेंगे। तो जब ये ठंडे हो जाएं, तो इसमें 1/4 कप पानी डालकर इसका एक फाइन और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चिकन भी मैरिनेट हो गया है। अब एक अलग से पैन में 1/4 कप या 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैरिनेटेड चिकन के पीसेस मसाले को साफ करते हुए पैन में डालते जाएंगे, और जो मैरिनेट बचा है उसे बाद में ग्रेवी में यूज करेंगे। और अब चिकन हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो चिकन को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पका लेंगे। इसे हमें सिर्फ 1/2 कुक यानी 50% तक कुक ही करना है, बाकी की कुकिंग हम ग्रेवी के साथ करेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं। चिकन ने बहुत सारा पानी रिलीज कर दिया है, तो हाई फ्लेम पर सारा चिकन ड्राई कर लेंगे। चिकन में से सारा पानी सूख चुका है और अब चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे ढककर एक साइड में रखते हैं। अब जिस पैन में हमने प्याज और काजू फ्राई किए थे, उसी पैन में और उतने ही ऑयल में 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और लो फ्लेम पर 30 to 45 सेकंड फ्राई करेंगे। और अब डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट। गैस की फ्लेम अभी भी लो पर ही रखेंगे और डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। आप चाहें तो मिर्च यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम पर मसाले को 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो गया है, टमाटर अच्छे से भुन गया है मसाले के साथ। अब डालेंगे बचा हुआ चिकन का मैरिनेशन और साथ ही डालेंगे प्याज और काजू का पेस्ट और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अब मसाले को हाई फ्लेम पर तब तक भून लेंगे जब तक मसाला अच्छे से भुन ना जाए और ऑयल मसाले से सेपरेट ना होने लगे। प्याज के पेस्ट की वजह से मसाला बहुत उछलता है, तो केयरफुली इसे भुनेंगे। चाहे तो बीच बीच में गैस की फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं। तो मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें और रिचनेस बढ़ाने के लिए और इसके टेस्ट को और भी इन्हेंस करने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। ये बॉयल किया हुआ नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, वैसे आप ठंडा दूध भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से 30 to 45 सेकंड तक मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस और अब इन्हें हाई फ्लेम पर मसाले के साथ 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे ताकि चिकन मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब डालेंगे इसमें 3/4 कप पानी। इसकी ग्रेवी थोड़ी थिकी होती है, तो अब इसे ढककर लो फ्लेम पर चिकन के गलने तक या 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। लो फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं। इस टाइम पर चिकन का एक पीस निकालकर आप चेक भी कर सकते हैं चिकन गला है या नहीं। अब डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, मिक्स करेंगे और डालेंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया फाइन चॉप और 3 से 4 हरी मिर्चें।
जिसे बीच में से हाफ स्लिट करके डालेंगे ताकि मिर्चों का फ्लेवर भी मसाले में अच्छे से आ जाए। हल्का सा मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर ही 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चिकन चंगेजी परफेक्टली तैयार है। इसकी ग्रेवी रखकर और थिक होती है, तो अगर आप थोड़ी देर में इसे सर्व करें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके गर्म करें और इसके हिसाब से नमक और मिर्च भी ऐड कर दें। लुक वाइज भी आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग है और खाने में तो है ही लाजवाब। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।